अपने गांव में काम करने का प्रयास किया और कराने का काम किया। वृद्धा लोगों को वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, अथवा विकलांग पेंशन, हर तरह के काम को मिले। एक तरह से पंचायत का जस्टिस जज कहा जाए और उस पद पर हमें चयनित किया। नमस्कार, स्वागत है आपका आदर्श भारत टीवी में। मैं हूँ आपके साथ चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं। जमुई जिले के झाझा प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत कर्मा है। कर्मा पंचायत से नवनिर्वाचित सरपंच चांदनी देवी है, जिनका प्रतिनिधित्व कमेश कुमार यादव कर रही हैं। कमेश कुमार यादव 2011 से सक्रिय राजनीति में जुड़कर समाज सेवा का कार्य कर रही हैं। 2011 में वो प्रथम बार वार्ड सदस्य का चुनाव जीते और 2011 से 2021 तक लगातार 10 वर्षों तक वार्ड सदस्य रही हैं और हमेशा देश की जनता की सेवा करना चाहते हैं। अभी मैं जमुई जिला के झाझा प्रखंड अंतर्गत कर्मा पंचायत आया हूँ। यहाँ से नव निर्वाचित सरपंच हैं चांदनी देवी जी, जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कमेश कुमार यादव जी। आज हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले कमेश कुमार जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद आपको। तो आप अभी आपकी वाइफ नव निर्वाचित सरपंच बनी है जी, इस बार कर्मा पंचायत से जी। सर तो बताएं, आप राजनीति में कब से हैं और जुड़े हुए? देखिए, राजनीति में तो हम 2011 से आए जी। सबसे पहले हम ग्राम पंचायत राज पैरगाह के वार्ड नंबर 13 मेरी गांव होती है जी, उस गांव से हम चुनाव लड़े जी, वार्ड से। यानी आप अपना राजनीतिक का जो कैरियर होता है वो वार्ड से शुरू किए जी? वार्ड से हम शुरू किए, हमने वार्ड का चुनाव जीते जी, और दो टर्म तक हम काफी मेहनत से अपने गांव में काम किए, बहुत लगन से रहे। ये दो बार आप लगातार अपने क्षेत्र से वार्ड सदस्य हैं। अभी भी हम अपने गांव में वार्ड सचिव के पद पर चयनित हूँ जी, और अपने गांव में पूरे पंचायत से हर वार्ड से जहां तक ज्यादा ही अपने गांव में काम करने का प्रयास किया और कराने का भी काम किया। जो भी योजना सरकार द्वारा आई, जैसे जल नल, गली नली, पेवर ब्लॉक का काम करना हो, पीसीसी का काम करना हो, मनरेगा से रोड बनाना हो, सड़क बनाना हो, पुल पुलिया बनाना हो, गांव में वृद्धा लोगों को वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आपका विकलांग पेंशन, हर तरह की काम को मैंने किया और वहीं से हमने अपना पकड़ को मजबूत बनाए। और पैरगहा पंचायत और कर्मा पंचायत दोनों में मैं आज 10 साल से छाए हुए हूँ और अपने जान जीव लगा के हर गरीब, हर मने पिछड़ा वर्ग के लोग और जितने भी हमारे इस दोनों पंचायत के सहयोगी मित्र रहे, सब के साथ मेरा बहुत बढ़िया विचार और स्वभाव रहा, जिसका हमको आज ये परिणाम कर्मा पंचायत से हमें सरपंच। आपकी कार्यशैली को देखते हुए लोग आपके ऊपर इतना विश्वास करके पुनः इस पंचायत से सरपंच का चुनाव जिताई जी। पूरे पंचायत में हम जब चुनाव लड़ रहे थे तो हमें थोड़ा सा भी तनिक आभास नहीं हुआ कि हम चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि ये जनता जनार्दन के पास मेरी बहुत बड़ी पकड़ थी और हमें काफ़ी विश्वास था कि हम चुनाव जीतेंगे और यही उम्मीद लेकर के हम आज चुनाव लड़े और सफल भी हुए। मेरी पत्नी चांदनी देवी आज सरपंच बनी और मेरा ये सोच है कि जिस तरह हम 10 साल से अपने पंचायत पैरगहा में रह करके दोनों पंचायत के कारभार को देख रेख किए, इस बार तो हमें पूरे कर्मा पंचायत की जनता को मैं सबसे पहले उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास करके पूरे पंचायत का सबसे प्रधान पद होता है सरपंच, गरिमामयी पद होती है। बिल्कुल, न्यायपालिका एक तरह से पंचायत का होता है, एक तरह से पंचायत का जस्टिस जज कहा जाए। बिल्कुल, और उस पद पर हमें चयनित किया। हम तो ये चाहेंगे कि मेरे इस कर्मा पंचायत में किसी तरह की भारी से भारी मुद्दा हो, भारी से भारी विवाद हो, उसको भी हम समस्या का निदान करने का काम करेंगे पंचायत स्तर पे जी। पूरे पंचायत स्तर पे मैं एक भी मुकदमा को थाना नहीं जाने दूंगा। अगर मुझसे बिना बताए किसी कारणवश कोई मुद्दे या मुदाले आपस में लड़कर अगर थाना चले गए तो मैं उस केस को पुनः पंचायत में ला करके अपने ग्राम कचहरी के स्तर से उस मने विवाद को निपटारा करने का काम करूंगा। अब हमारे चैनल के माध्यम से अपने जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम तो एक ही वर्ड बोलेंगे कि आपस में इतना बढ़िया से प्रेम और भाव बना के रहें
कि हमारी कभी आपके बीच जरूरत ना पड़े, और छोटी छोटी चीज लेकर के अगर आपस में किसी तरह का कोई विवाद हो तो हमें जरूर याद करिए, हम आपके बीच आकर के सारी समस्या को एक बार से अपने स्तर से ग्राम कचहरी के माध्यम से देखने का काम करूंगा और उसको निपटाने का काम करूंगा। तो जनहित की आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।